नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका अपने ही YouTube चैनल हमारी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो बात की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर चैप्टर जो होगा वो कितने नंबर का आ रहा है, ये बात हम लोगों ने की। उसके अलावा आज जो बात होगी वो हमारे पहले चैप्टर से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर जो होने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर, जिसका नाम क्या है बताओ अपने पास, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर का नाम क्या हो, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोल रहे हैं बताइए, विलयन कहेंगे आप। एक बात और ध्यान रखिएगा मेरी, आज जो विलयन वाला जो चैप्टर होने वाला है इसमें केवल हमारा जो टाइप होगा, फर्स्ट लेक्चर जो है इसमें केवल आपको पढ़ेंगे हम लोग विलयन के प्रकार। अब विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो टॉपिक पे होगा, कल इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्सिमम उसके बारे में चर्चा रहेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो विलियन कहते हैं कि इसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, मैं बता दूं आप लोगों को, इस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो फिल इन द ब्लैंक में पहला क्वेश्चन देखो क्या बनता है, सुनना अच्छे से। विलियन किसे कहते हैं बताओ, दो या दो से अधिक पदार्थों का कौन सा मिश्रण बताओ, समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण बताओ, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण बताओ क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बताओ कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर बताओ क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, दो या दो से अधिक पदार्थों का ब्लैंक विलयन कहलाता है, तो बताओ क्या कहलाता है, हम सबका समांगी मिश्रण बताओ क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है, ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, थोड़ा बहुत आप लोगों के बता दूं नॉलेज के लिए कि समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होंगे जिसमें एक विलयन को या विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर दोनों का संगठन समान हो जाए, दोनों आपस में मिश्रित हो जाए, तो उसको हम लोग बताओ क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कह सकते हैं। आप लोग एक बात ये भी बोल सकते हो कि समांगी मिश्रण में यदि विलय को विलायक में घोला जाए तो उसे आप नग्न आंखों से आसानी से नहीं देख सकते, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, दूसरा, विलयन के कितने घटक होते हैं, एग्जाम में पूछ ले, दो घटकों के बताओ कौन कौन से, विलय और सेकंड घटक अपने पास कौन होगा बताओ, विलायक। तो विलय प्लस विलायक दोनों मिलकर बताओ किसका निर्माण करते हैं, अपने पास विलयन का निर्माण करते हैं, विलय जिसको आप लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में बताइए, सोल्यूट बोलेंगे। बात करें विलायक की तो विलय को आप लोग क्या कहेंगे बताओ, सॉल्वेंट कहेंगे, ध्यान रखें। विलय की डेफिनेशन कोई आप लोगों से पूछे तो विलय क्या होता है, विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा जिसकी क्वांटिटी बताओ क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, वो कहलाता है आपका विलय पदार्थ। और विलयन का वह अवयव जिसकी क्वांटिटी जिसकी मात्रा बताओ क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाएगा बताओ, विलायक पदार्थ कहलाएगा, ध्यान रखें। जैसे कि 5 ग्राम NaCl जो है वो पानी में घुला हुआ है, इन दिस कंडीशन जो पानी है वो तो आपका विलायक बन जाएगा, लेकिन 5 ग्राम जो आपने बोला है NaCl वो क्या बन जाएगा, विलय, क्योंकि उसकी क्वांटिटी तो क्या अपने पास लेस है, कम है, इसलिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, दोबारा सुन लीजिए क्या पढ़ा अब तक हम लोगों ने, विलयन किसे कहते हैं, क्वेश्चन जो पुटअप होने की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि विलयन क्या होता है, तो विलयन क्या होता है, तो अपने पास आपका दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विलयन के कितने घटक होते हैं अपने पास, दो घटक होते हैं, विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। दूसरा, विलय किसे कहेंगे आप लोग, जिसकी क्वांटिटी बताओ विलयन में क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, वो क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और जिसकी क्वांटिटी बताओ ज़्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, विलायक बन जाएगा। डन बात है यहाँ तक, आगे एंट्री करते हैं, सुनिएगा अच्छे से नेक्स्ट बात। अब आता है विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए डिवाइड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ आधार चाहिए होता है, तो यहाँ विलयन के प्रकार को विभाजित करने के लिए आप लोगों के पास 4 आधार होगा। पहला जो आधार है वो किस आधार पर बताओ, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, जिसे आप लोग क्या कह सकते हैं बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, एक होता है तनु विलयन जिसको आप लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक क्या होता है आपके पास कंसंट्रेट सॉल्यूशन जिसको आप लोग क्या कहेंगे बताओ, सांद्र विलयन भी कह सकते हैं, ठीक है। तनु विलयन क्या होता है बताओ, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलय की अपेक्षा बताओ क्या होगी, कम होगी, तो ऐसे विलयन बताओ क्या कहलाएंगे, तनु विलयन। ऐसे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलय की अपेक्षा कम होती है वो क्या कहलाएंगे बताओ, तनु विलयन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बताओ क्या होती है, लेस होती है, बताओ किससे, सॉल्वेंट से। कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्या होंगे, ऐसे सॉल्यूशन या वे विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा
अब दिखोगे बताओ किससे, विल आयक से। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्या कंसनट्रेट HCl, सांद्र HCl, जहाँ गिरता है मोर एसिडिक होता है नेचर में, तो जहाँ भी गिरेगा वहाँ से नमी सोख लेगा ये, ठीक है। बात ध्यान रखना, थोड़ा बहुत डेंजरस भी होता है ये, तो जब भी प्रैक्टिकल करते हो आप लोग तो कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HCl, इनसे बच के रहिए आप लोग थोड़ा बहुत, ठीक है। पहला बेस क्लियर। सेकंड जो बेस है आपका वो है विलय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर, विलय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, इसे आप लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। टू टाइप के होंगे, एक होता है अपने पास आपका संतृप्त सॉल्यूशन, संतृप्त सॉल्यूशन जिससे आप लोग क्या कहेंगे बताओ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है अपने पास अनसैचुरेटेड जिससे आप लोग क्या कहेंगे बताओ, असंतृप्त विलयन, या ठीक है। संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए संतृप्त विलयन वे विलयन होंगे जिसमें एक निश्चित ताप पर आप विलय पदार्थ की और मात्रा आप विलयक में नहीं घोल सकते, तब तो वो कहलाएगा संतृप्त विलयन, ठीक है। दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या रहेगा आपके पास, दोनों कंडीशंस में टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो फिक्स टेम्परेचर पर यदि संतृप्त विलयन क्या होगा, फिक्स टेम्परेचर पर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा आप और ज़्यादा नहीं घोल सकते, तब तो वो कहलाएगा बताओ क्या, संतृप्त विलयन। और आप विलय की मात्रा और अधिक घोल सकते हो तब वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नंबर तीन पे आता है अपने पास विलय पदार्थ की, विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर, विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर, और विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर जो आपका विलयन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अपने पास द्विअंगी विलयन, और एक बताओ क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से, त्रिअंगी विलयन। मैं बता दूँ अब तक जो पढ़ा वर्गीकरण में, जो आपने बताया विलयन के प्रकार, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है संतृप्त विलयन किसे कहते हैं लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में 2023 में, ध्यान रखेंगे। तो संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिकतम मात्रा विलयक में नहीं घोली जा सकती है, या जो आपका सोल्यूट है उसकी और क्वांटिटी आप लोग सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं कर सकते एक फिक्स टेम्परेचर पर, इन दिस कंडीशन वो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और कर सकते हो तो बताओ क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर तीन पे क्या गया, विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं आप लोग, वह विलयन जिसमें एक तो कौन होगा बताओ अपने पास, विलायक, और एक बताओ कौन होगा आपके पास, विलय, मतलब विलय की संख्या भी बताओ कितनी होगी, एक, और विलय की संख्या बताओ कितनी हो, एक, तो द्विअंगी विलयन। और त्रिअंगी विलयन क्या होगा बताओ, जिसमें दो, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके पास, विलायक प्लस एक क्या हो जाएगा आपका, विलय, इन दिस कंडीशन आप उसे क्या कह देंगे बताओ, त्रिअंगी विलयन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन में विलायक एक एक ही रहेगा, चेंज कौन हो रहा है अपने पास आपका, विलय पदार्थ की संख्या, तो विलय पदार्थ की संख्या कितनी है, एक, तो द्विअंगी, दो है तो बताओ क्या हो जाएगा, त्रिअंगी। क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, पीतल किस किस का मिश्रण होता है अपने पास, कॉपर और जिंक का, कांसा किस किस का मिश्रण होता है अपने पास, कॉपर और टिन, SN, एक होता है जर्मन सिल्वर, बताओ किस किस का मिश्रण होता है आपके पास, Cu प्लस जिंक प्लस Ni, इसको बोलते हैं आप लोग जर्मन सिल्वर, ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग, देखना सुनना, लास्ट जो वर्गीकरण है वो है आपकी विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर, ध्यान रखें मेरी बात को, तीन जो वर्गीकरण पढ़े हैं आप लोगों ने वो पढ़े हैं विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, दूसरा विलय पदार्थ की घुलनशीलता के आधार पर, तीसरा है विलय पदार्थ की संख्या के आधार पर। नंबर लास्ट जो आपका वर्ता है वर्गीकरण, उसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अपने पास थ्री टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है अपने पास ठोस विलयन जिसको आप लोग क्या कहेंगे बताओ, सॉलिड सॉल्यूशन, और एक होता है आपके पास द्रव विलयन जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है गैस विलयन जिसको आप लोग क्या कहेंगे बताओ, गैस सॉल्यूशन। सबसे बड़ी बात, ठोस विलयन हो, द्रव विलयन हो, चाहे गैस विलयन हो, इन सब में विलय की भौतिक अवस्था,
ठोस होगी तो ठोस विलयन, जबकि विलय की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। द्रव विलयन, विलय की भौतिक अवस्था द्रव होगी, जबकि विलय की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकती है। गैस विलयन, विलय की भौतिक अवस्था गैस होगी, जबकि विलय की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव व गैस हो सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही टॉपिक रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, आज का जो टॉपिक रहेगा वो था विलयन के प्रकार। मैंने बता दिया आप लोगों को विलयन के प्रकार, क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं यहाँ पर, क्या पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। कल वाली जो नेक्स्ट क्लास अपनी होती है उसमें टॉपिक यही चर्चा रहेगी, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू।